हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 5। सो दैट द मैट्रिक्स पी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एस ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। देखो ये जो मैट्रिक्स दिया पी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एस ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब क्या हुआ, ये भाई ए अगर सिमेट्रिक हो तो ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा एंड ए मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक हो तो ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का रूल क्या था, ए डैश इक्वल टू क्या होता है, ए होता है एंड स्क्यू सिमेट्रिक का रूल क्या है, ए डैश इक्वल टू माइनस ए होता है। सॉल्यूशन, सपोज दैट A is symmetric. ये रहा पार्ट पकड़े। Therefore, A transpose equal to क्या होगा? A होगा। Now, B dash A B whole dash equal to क्या हो जाएगा? तो ये अब ऐसे भी लिख सकते हैं। A B ये भी एक dash and ये भी क्या होगा? Whole dash। तो ये क्या हो जाएगा? देखो जब आपको ऐसे होता है कि एक्स वाई होल डैश तो क्या होता है वाई डैश एक्स डैश होता है, तो यहाँ पे क्या होगा ए बी होल डैश एंड बी डैश होल डैश हो जाएगा। तो दिस इक्वल टू ए और ऐसे हुआ तो ये क्या लिख सकते हैं बी डैश ए डैश होगा। नहीं क्या होगा क्योंकि देखो एक्स डैश होल डैश इक्वल टू क्या होता है एक्स होता है, तो ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। देखो सिंस ए डैश इक्वल टू ए पे देखो ए डैश इक्वल टू ए तो ये क्या होगा बी डैश ए बी हो गया। मतलब ए पे जो था ए पे सेम ही होगा। देयरफॉर क्या हुआ बी डैश ए बी होल डैश इक्वल टू बी डैश ए बी हुआ। तो इस रूल से आ गए देयरफॉर बी डैश ए बी इच ए सिमेट्रिक। Symmetric matrix again suppose that A each A is skew symmetric तो क्या हो जाएगा therefore A transpose equal to minus A हो जाएगा। suppose A two now B डैश ए बी होल डैश इक्वल टू क्या लिख सकते हैं B डैश ए बी होल डैश लिख सकते हैं। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी होल डैश बी डैश डैश क्योंकि ए ही अप्लाई ए है पे भी हुआ। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा B डैश ए डैश हो जाएगा क्योंकि एक्स वाई होल डैश इक्वल टू क्या होता है एक्स y डैश x डैश होता है। तो एंड a क्या हो जाएगा ए वाला पार्ट से तो यहाँ पे क्या होगा b हो जाएगा। सिंस देखो a डैश मतलब क्या है माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा b डैश माइनस a b होगा। तो d इक्वल टू क्या होगा माइनस b डैश a b होगा। देयरफॉर क्या हुआ b डैश a b होल डैश इक्वल टू माइनस b डैश a b हुआ। मतलब ए पार्ट हुआ लेकिन माइनस पे हुआ तो ए सेटिस्फाई किया। देयरफॉर बी डैश ए बी इच ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैट्रिक्स। देखो जब क्या हुआ ए सिमेट्रिक था तो ए पार्ट क्या हुआ सिमेट्रिक हुआ, जब ए स्क्यू सिमेट्रिक हुआ तो ए पार्ट क्या हुआ स्क्यू सिमेट्रिक हुआ। Hence, a hence the result. Hence the result. Question number 6. Find the values of x, y, z if the matrix A equal to 0, touch y, z, x, y minus z, x minus y, z. Satisfy the equation A dash A equal to I. Solution. So, what will happen? A matlab A matrix. तो
इसको ट्रांसपोज करने से क्या हो जाएगा, देखो रो को कूलम करना होगा एंड कूलम को रो करना होगा, तो क्या होगा, इस फास्ट रो को फास्ट कूलम करना होगा, तो क्या होगा, जीरो टूवर्ड्स वाई जेड, इस सेकेंड रो को सेकेंड कूलम करना होगा तो क्या होगा, एक्स वाई माइनस जेड, इस थर्ड रो को थर्ड कूलम करना होगा तो क्या होगा, एक्स माइनस वाई जेड हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या दिया है, नाउ ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इज इक्वल टू, देखो ए डैश मतलब अभी क्या मिला, जीरो एक्स एक्स टू एच वाई वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एट इन ए, ए मतलब ए वाला मैट्रिक्स, तो क्या है, जीरो टू एच वाई जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड इक्वल टू आई, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो देखो अभी देखो इस रो से इस क्रम मल्टीप्लाई करना होगा, तो कोई क्या, जीरो इंटू जीरो तो जीरो, एक्स इंटू एक्स तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स तो ये भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स इस रो से इस क्रम करना होगा तो क्या होगा, जीरो इंटू टू वाई तो जीरो हो जाएगा, एक्स इंटू वाई तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स वाई हो जाएगा, एक्स इंटू माइनस वाई तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस एक्स वाई हो जाएगा, नेक्स्ट जीरो इंटू जेड तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, एक्स इंटू माइनस जेड तो क्या होगा, माइनस एक्स जेड हो जाएगा, एंड एक्स इंटू जेड तो क्या हो जाएगा, एक्स जेड हो जाएगा। सेम टू एच वाई इंटू जीरो तो जीरो, वाई इंटू एक्स तो ये पे क्या होगा, एक्स वाई हो जाएगा, माइनस वाई इंटू एक्स तो क्या होगा, माइनस एक्स वाई हो जाएगा। इस बार लास्ट ए करना होगा तो क्या होगा, टू एच वाई इंटू टू एच वाई तो क्या होगा, फोर वाई स्क्वेयर हो जाएगा, वाई इंटू वाई तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वेयर हो जाएगा, एंड ये क्या होगा, माइनस वाई इंटू माइनस वाई तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वेयर हो जाएगा। एक्सैक्टली देखिए इस पर इस रो से इस क्रम करना होगा तो क्या होगा, टू एच वाई जेड हो जाएगा, ये क्या होगा, माइनस वाई जेड हो जाएगा, एंड ये भी क्या हो जाएगा, माइनस वाई जेड हो जाएगा। इस बार इस लास्ट रो से फर्स्ट कॉलम करना होगा तो क्या, जेड इंटू जीरो तो जीरो, माइनस जेड इंटू एक्स तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस एक्स जेड हो जाएगा, एंड जेड इंटू एक्स तो ये क्या होगा, प्लस एक्स जेड हो जाएगा। नेक्स्ट इस रो से इस कॉलम करना होगा तो क्या होगा, टू एच वाई जेड हो जाएगा, ए माइनस जेड इंटू वाई तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई जेड हो जाएगा, जेड इंटू ए भी माइनस वाई जेड हो जाएगा, एंड लास्ट ए रो से ए कॉलम करना होगा तो क्या होगा, जेड इंटू जेड तो क्या होगा, जेड स्क्वेयर हो जाएगा, माइनस जेड ए माइनस तो प्लस हो जाएगा, जेड स्क्वेयर हो जाएगा, ए जेड एंड ए जेड ए भी जेड स्क्वेयर हो जाएगा, डी इक्वल टू क्या होगा, वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन हो। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ए पार्ट क्या हो जाएगा, टू एस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ए कैंसिल जाएगा, जीरो हो जाएगा, ए क्या हो, ए भी जीरो हो जाएगा, देखो ए भी जीरो हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, सिक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, ए पूरा जीरो हो जाएगा, और ए भी जीरो हो जाएगा, ए भी जीरो हो जाएगा, ए थ्री जेड स्क्वायर हो जाएगा, डी सिक्वल यहाँ पे क्या होगा, वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन हो जाएगा। एंड नाउ इक्वलिटी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस वी हैव टू एस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन, जीरो इक्वल टू जीरो, जीरो इक्वल टू जीरो, ये तो पूरा है, तो मतलब क्या होगा, एंड सिक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, वन होगा, एंड लास्ट थ्री जेड स्क्वायर इक्वल टू ए पट ए पट इक्वल होगा तो क्या होगा, वन होगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, वन बाय टू होगा, ऐसे एक्स इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस वन बाय रूट टू बाय टू हो जाएगा, ठीक है, होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू वन बाय सिक्स हो जाएगा, तो वाई इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस वन बाय रूट सिक्स हो जाएगा, अरे क्या होगा, जेड स्क्वायर इक्वल टू वन बाय थ्री हो जाएगा, तो जेड इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस वन बाय रूट थ्री हो जाएगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन बाय रूट टू,
वाई इक्वल टू प्लस माइनस वन बाय रूट सिक्स एंड जेड इक्वल टू प्लस माइनस वन बाय रूट थ्री। क्वेश्चन नंबर सेवन, फोर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स, वन टू वन, वन टू जीरो, टू जीरो वन, वन जीरो टू, जीरो टू एक्स इक्वल टू जीरो। तो देखिए इस मैट्रिक्स के ऑर्डर कितने हैं, रो कितने हैं वन रो एंड कॉलम कितने हैं थ्री, इस मैट्रिक्स कितने थ्री बाय थ्री एंड इसका कितना है थ्री बाय वन। तो देखो ये थ्री मैट्रिक्स है तो ये क्या करना होगा, पहला एनी टू मैट्रिक्स आपको मल्टीप्लाई करना होगा, बाद में जो रह जाएगा उसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप पहले ए मैट्रिक्स कर लो, तो मैट्रिक्स का रूल क्या था, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम एंड सेकेंड मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो सेम होना चाहिए। तो देखो इस मैट्रिक्स का कॉलम कितना है थ्री एंड इस मैट्रिक्स का रो कितना है थ्री, तो दोनों सेम ही है तो क्या है आपका मल्टीप्लाई एग्जिस्ट है। तो क्या होगा सॉल्यूशन, देखो आप पहले कोई भी दो करना होगा, सपोज मैं ये दोनों कर रहा हूँ तो क्या होगा, देखो एक लाइन चट कर दिया, इस रो से आपको इस कॉलम करना होगा तो क्या हो जाएगा वन इंटू वन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, टू इंटू टू तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस फोर हो जाएगा एंड वन इंटू वन तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या होगा, इस रो से इस कॉलम करना होगा तो क्या होगा वन इंटू टू तो क्या होगा टू, टू इंटू जीरो तो यहाँ जीरो हो जाएगा, वन इंटू जीरो तो क्या हो जाएगा ए भी जीरो हो जाएगा, वन इंटू ए पे जीरो तो क्या होगा जीरो, टू इंटू वन तो क्या हो जाएगा टू हो जाएगा, वन इंटू टू तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टू हो जाएगा एंड यहाँ पे क्या था जीरो टू एक्स इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। अभी क्या करना होगा, इस टू देखो यहाँ पे कितना होगा सिक्स, ये क्या हो जाएगा टू, ये क्या हो जाएगा फोर, यानी यहाँ पे कितना है जीरो टू एक्स एंड ये क्या है एक जीरो मैट्रिक्स, एक जीरो मैट्रिक्स। देखो मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है वन बाय थ्री एंड इसका ऑर्डर कितना है थ्री बाय वन, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम एंड सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो सेम होना चाहिए, ऑलरेडी है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट है। देखो इस रो से इस कॉलम करना होगा तो क्या होगा जाएगा सिक्स इंटू जीरो तो क्या होगा जीरो, टू इंटू टू तो क्या होगा फोर हो जाएगा एंड फोर इंटू एक्स तो क्या हो जाएगा फोर एक्स हो जाएगा, थ्री इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा जीरो हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स ये फोर प्लस फोर एक्स इक्वल टू जीरो, तो ऐसे क्या होगा फोर को मिलने से क्या होगा वन प्लस एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब क्या होगा वन प्लस एक्स इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे क्या होगा एक्स इक्वल टू माइनस वन, दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ। क्वेश्चन नंबर एट, इफ ए इक्वल टू थ्री वन माइनस वन टू, सो दैट ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सेवन आई इक्वल टू जीरो, मतलब आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड जीरो मतलब जीरो मैट्रिक्स। देखो सॉल्यूशन तभी क्या दिया, ए मतलब ए वाला मैट्रिक्स दिया तो इनको स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, स्क्वायर मतलब क्या होगा ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा ए इंटू ए, तो डी इज इक्वल टू, देखो ए मतलब क्या है थ्री वन माइनस वन टू और एक है तो ए भी क्या होगा थ्री वन माइनस वन। अभी क्या करना होगा ए मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या इस फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम करना होगा तो फर्स्ट इलेवन हो जाएगा थ्री इंटू थ्री तो यहाँ पे क्या होगा नाइन हो जाएगा, वन इंटू माइनस वन तो ये क्या होगा माइनस वन हो जाएगा, इस फर्स्ट रो से फर्स्ट सेकेंड कॉलम करना होगा तो सेकेंड इलेवन हो जाएगा तो क्या होगा थ्री, थ्री इंटू वन तो थ्री एंड वन इंटू टू तो यहाँ पे क्या होगा टू हो जाएगा। नेक्स्ट इस रो से इस कॉलम करना होगा तो क्या होगा माइनस वन इंटू थ्री तो क्या होगा माइनस थ्री हो जाएगा, टू इंटू माइनस वन तो क्या होगा माइनस टू हो जाएगा, माइनस वन इंटू वन तो ये क्या होगा माइनस वन हो जाएगा, टू इंटू टू तो ये क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा, तो दिस इक्वल टू क्या होगा देखो नाइन माइनस वन तो एट होगा, थ्री प्लस फाइव हो जाएगा माइनस फाइव हो जाएगा एंड ए क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा। दिया क्या ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सेवन आई इक्वल टू जीरो, ये आपको
लेफ्ट हैंड साइड पे चेक कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सेवन आई। देखो तीसरे के लिए क्या होगा, ए स्क्वायर मतलब क्या, अभी क्या मिला, एट फाइव माइनस फाइव माइनस फाइव ए, ए मतलब क्या है थ्री वन माइनस वन टू प्लस सेवन आई, आई मतलब आइडेंटिटी। डी सिकल क्या हो जाएगा, देखो एट यहाँ पे फाइव यहाँ पे माइनस फाइव यहाँ पे, यहाँ पे क्या थ्री है, तो ए क्या हो जाएगा फाइव इंटू एट तो क्या हो जाएगा फिफ्टीन हो जाएगा, ए फाइव हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा माइनस फाइव हो जाएगा, ए क्या होगा टेन हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा सेवन जीरो जीरो सेवन। देखो डी सिकल क्या हो जाएगा इस बार, एट यहाँ पे कितने माइनस फिफ्ट यानी क्या है प्लस सेवन, अब यहाँ पे कितने हैं फाइव ए माइनस फाइव यानी यहाँ पे कितने हैं प्लस जीरो, यहाँ पे कितने हैं माइनस फाइव ए माइनस माइनस ए क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ए यहाँ पे कितना है जीरो यानी यहाँ पे कितना है थ्री, यहाँ पे कितने हैं माइनस टेन यानी यहाँ पे क्या प्लस सेवन, तो डी इक्वल क्या हो जाएगा, देखो एट प्लस सेवन तो फिफ्टीन माइनस फिफ्टीन तो ये जीरो हो जाएगा, माइनस फाइव ए भी जीरो हो जाएगा, ए भी जीरो हो जाएगा, ए भी थ्री माइनस टेन प्लस सेवन तो ए भी जीरो हो जाएगा। डी इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, डी इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सेवन आई इक्वल टू जीरो, हेंस द पिक्चर। क्वेश्चन नंबर नाइन, फाइंड एक्स इफ एक्स माइनस फाइव माइनस वन वन जीरो टू जीरो टू वन टू जीरो थ्री एक्स फोर वन इक्वल टू जीरो, जीरो मतलब जीरो मैट्रिक्स। देखो ये भी क्या हो रहा, थ्री मैट्रिक्स है, थ्री मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो रहा है जीरो हो रहा है, जीरो मैट्रिक्स। तो अब थ्री मैट्रिक्स एक साथ मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे तो क्या करना होगा, आपको पहले एनी टू मल्टीप्लाई करना होगा। देखो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है वन बाय थ्री, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है थ्री बाय थ्री, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है थ्री बाय वन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का रूल है वो क्या होना चाहिए, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कूलम एंड सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो सेम होना चाहिए। अगर आप ए दोनों कर लिया तो ए होना चाहिए, अगर आप ए दोनों कर लिया तो क्या होना चाहिए, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कूलम सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो सेम होना चाहिए ऑलरेडी है, तो आप ए दोनों और ए दोनों यानी कर सकते हैं, तो मैं फर्स्ट ए दोनों कर रहा हूँ तो क्या होगा, तो डी इज इक्वल टू, देखो एक्स इस रो से इस कॉलम करना होगा तो क्या होगा फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, एक्स इंटू वन तो क्या होगा एक्स हो जाएगा, माइनस फाइव इंटू जीरो तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, एंड माइनस वन इंटू टू तो क्या होगा माइनस टू हो जाएगा। एक्स इस क्या करना होगा, इस रो से इस कॉलम का एक्स इंटू जीरो तो जीरो, माइनस फाइव इंटू टू तो क्या होगा माइनस टेन, माइनस वन इंटू जीरो तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। इस रो से इस कॉलम करना होगा तो क्या होगा टू वाइस एक्स माइनस फाइव एंड माइनस थ्री, एंड यहाँ पे क्या होगा एक्स फोर वन डी इज इक्वल टू एक जीरो मैट्रिक्स, ये तो जीरो मैट्रिक्स है, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये वाला एक्स माइनस टू हो जाएगा, एंड ये क्या हो जाएगा माइनस टेन, ये क्या हो जाएगा 2x माइनस एट, अभी एक्स फोर वन इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। अभी क्या करना होगा, देखो इस रो से इस कॉलम मल्टीप्लाई करने से आपका फर्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा, देखो ये तो क्या हो जाएगा x x माइनस टू हो जाएगा, ये क्या होगा माइनस टेन इंटू फोर तो क्या हो जाएगा माइनस फोर्टी हो जाएगा, एंड ऐसे करने से क्या हो जाएगा ये वाला टू एक्स माइनस थ्री हो जाएगा इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर जीरो, तो ये क्या हो जाएगा देयरफॉर इक्वलिटी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस मैट्रिसेस यू हैव ए वाला पार्ट इक्वल टू, तो क्या होगा एक्स एक्स माइनस टू माइनस फोर्टी प्लस टू एक्स माइनस एट इक्वल टू जीरो, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एच एक्स माइनस फोर्टी
प्लस टू एक्स माइनस एट इक्वल टू जीरो। तो देखो ए बट कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर इक्वल टू माइनस 48 इक्वल टू जीरो। यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 48, मतलब ऐसे क्या होगा एक्स इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस 4√3।